हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल मैथ्स में। बेटा पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था स्पष्ट फलन का अवकलन और लघुगणक विधि द्वारा अवकलन। तो लघुगणक विधि द्वारा अवकलन और स्पष्ट फलनों का अवकलन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद देखो उस जिसमें हम एक से लेके पांच तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर चुके थे, इसमें 7.3 तो 7.3 के एक से लेके पांच तक के क्वेश्चंस उस वीडियो में हम कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन आज 6 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस, यानी कि अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, y इक्वल टू x की पावर y जिसका हमें अवकलन करना है। ठीक है बेटा, अब क्या दे रखा है, x की पावर y, x एक फलन है और फलन की पावर एक फलन दे रखा है, फलन की पावर एक फलन दे रखा है। तो फलन की पावर जब फलन हो, तब बेटा मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, लघुगणक का उपयोग करते हैं। क्या करेंगे, log का उपयोग। तो यहां पर लिखेंगे बेटा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों पर का लॉग लेने पर। ठीक है, अब लॉग लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर y। क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर y। अब देखो बेटा लॉग x की पावर y, अब लॉग में एक नियम है बेटा, log की पावर m, सॉरी m की पावर n, log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m, अर्थात log में किसी फलन की अगर पावर दे रखी है तो वो पावर कहां जाती है, आगे। ठीक है, पावर कहां जाएगी बेटा, आगे। तो इसका मतलब है जो y दे रखा है, x की पावर क्या है, y कहां जाएगा, आगे। तो ये हो गया log y इक्वल टू y log x, ये हमारा फलन बन गया y log x। यहां पर क्या दे रखा है, फलन की पावर फलन है, फलन की पावर फलन है, इसलिए हम x की घात n वाला नियम इसमें नहीं लगा सकते थे। अब x की घात जब n का नियम नहीं लगा सकते तो फिर करें कैसे, तो उसके लिए क्या है बेटा, log। तो लॉग के उपयोग से हम घात के रूप में जो फलन दे रखा है उसको हटा सकते हैं। जब घात के रूप में फलन हट जाएगा तो क्वेश्चन तो सिंपल बन जाएगा। तो देखो यहां पर x की पावर क्या है, y, तो y एक फलन है जो घात के रूप में, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, लॉग का इस्तेमाल किया। अब लॉग का इस्तेमाल किया, लॉग में रूल होता है या एक सूत्र होता है, एक नियम मान लो कि लॉग m की पावर n, जिसमें n कहां जाता है, आगे, और क्या बच जाता है, log n, अर्थात घात उसकी क्या हो गई, आगे आ गई। तो सेम इसी तरीके से इसकी जो पावर थी y वो कहां गई, आगे। अब ये हो गया log x पावर डी। अब इसका हम अवकलन कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा log y, तो log y में क्या दिख रहा है, सबसे पहले log, तो जब log का अवकलन करते हैं तो उसका होता है 1/x। अब यहां पर y है तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर, y, log का सूत्र होता है 1/x। अब x जब x होता है तो x लिखते, अब यहां पर y है तो क्या लिखेंगे, y, तो log इसका हो गया 1/y। इसके बाद फिर अंदर गए बेटा y में, अब इसके साथ क्या करेंगे, y का भी करेंगे, तो y का हो गया dy/dx इक्वल टू, क्या हो गया बेटा, dy/dx। अब आ जाओ इधर, y एक फलन हो गया, दूसरा log x, y इंटू log x, दो फलन हो गए। अब दो फलन का क्या है, गुणनफल, जब गुणनफल दे रखा होता है तो कौन सा नियम लगाते हैं बेटा, u इंटू v में किसी भी एक फलन को स्थिर रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को स्थिर रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, इसमें देखो y और log x दो फलन दे रखे हैं, तो y को अगर हम स्थिर रखते हैं तो log x का अवकलन करना पड़ेगा, तो log का करेंगे क्या होता है, log का 1/x,
प्लस इस बार लॉग एक्स को स्थिर रखेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है बेटा, क्या किया आपने, सबसे पहले लॉग का किया वन अपॉन वाई, फिर वाई का किया डी वाई बटे डी एक्स, इधर यू इंटू वी का रूप बन गया तो यू को स्थिर रखा सब पहले वाई को, तो लॉग का हो गया वन अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स को स्थिर रखेंगे वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब देखो dy बटे डी एक्स इधर भी है इधर भी है, तो dy बटे डी एक्स को बेटा इधर ले ला सकते हैं, तो 1 अपॉन y dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस साइड में लेके आ गए तो log x dy अपॉन डी एक्स, इधर बच गया बेटा आपके पास y अपॉन x, क्या बच गया बेटा y अपॉन x, इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया बेटा कॉमन, क्या बच गया यहां से वन अपॉन वाई, इधर से बच गया बेटा लॉग एक्स और इधर वाई अपॉन एक्स। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा क्या आ गया वन अपॉन वाई और माइनस का लॉग एक्स, क्या करेंगे एलसीएम, अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई लिया वन माइनस इसका हो जाएगा वाई लॉग एक्स। ठीक है, क्या लिया बेटा हमने एलसीएम, तो वाई का एलसीएम आ गया तो वाई का वाई में भाग दिया एक बार, एक का एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक का भाग देंगे हम वाई में, कितनी बार जाएगा वाई बार, और वाई का इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई लॉग एक्स, और इधर आ गया बेटा वाई अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, हमें क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा पंचगुणन या क्रॉस मल्टीपल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर एक्स का हो जाएगा वन माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये वाली टर्म्स कहां चली जाएगी बेटा क्रॉस में दूसरी साइड, तो वाई का वाई से मल्टीपल हो गया, इसका इससे हो गया, तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू में वन माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद सिक्स का फर्स्ट था, सिक्स का कौन सा था बेटा ये फर्स्ट, इसी के बाद सिक्स का सेकेंड क्वेश्चन है। अब देखो बेटा सिक्स का सेकेंड क्वेश्चन, सिक्स का सेकेंड क्वेश्चन है एक्स की पावर ए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, अब इक्वल टू में है एक्स माइनस वाई ए प्लस बी। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर एक्स की पावर ए है कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इधर वाई की पावर क्या है बेटा बी है, इधर एक्स माइनस वाई की पावर ए प्लस बी है। ठीक है, तो दोनों साइड में हम क्या ले सकते बेटा लॉग, अगर किसी की पावर को हटाना हो बेटा तो लॉग आप ले सकते हो, लॉग ले लेंगे तो उसकी पावर कहां आ जाती है आगे। ठीक है, अगर किसी की पावर हमें हटानी है तो हम क्या करेंगे बेटा लॉग ले लेंगे, तो यहां पर लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई ए प्लस बी। ठीक है, अब लॉग के नियम से, अभी मैंने बताया था आपको लॉग में एक नियम होता है कि लॉग एम की पावर एन, जिसमें एन कहा जाता है बेटा आगे। ठीक है, तो सेम दोनों में नियम लग जाएगा इसमें, और इसमें बेटा एक फॉर्मूला और लग रहा है कि लॉग एम इंटू एन, अगर लॉग एम इंटू एन है तो जिसे लिखा जा सकता है लॉग एम प्लस लॉग एन। अब देखो यहां पर दो नियम, दो फलन क्या हो रहा है गुणन हो रहा है एक्स और वाई, तो इसका मतलब ये एन हो गया ये एन हो गया, तो एम इंटू एन, और इधर बेटा क्या है लॉग एम की पावर एन, इसका मतलब ये भी फॉर्मूला लगेगा और ये भी लगेगा, तो दोनों फॉर्मूला लगा दो यहां पर इसके हिसाब से या इसके अनुसार हो जाएगा लॉग एक्स की पावर ए प्लस लॉग वाई की पावर बी, इधर हो जाएगा बेटा ए प्लस बी लॉग एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें फिर आगे में एक बार फॉर्मूला लगा रहे क्योंकि पावर कहां दे रखी है बेटा ऊपर, तो लॉग में अगर पावर दे रखी है वो कहां जाती है आगे, तो ये आ जाएगा बेटा ए
log x, इसमें बेटा b log y, इधर हो गया a प्लस बी log x माइनस y, ठीक है बेटा। अब आप उसका अवकलन कर दो, सिंपल क्वेश्चन बन गया, सिंगल स्टेप में आ गया। अब देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट है log का करेंगे, इधर b कांस्टेंट है log y का करेंगे, इधर a प्लस बी कांस्टेंट है इसका करना है, ठीक है। तो a कांस्टेंट है तो a अच्छा रहा, इसको स्थिर रखेंगे, a log का किया, log का क्या होगा बेटा 1 अपॉन x, प्लस b को स्थिर रखा, log का किया बेटा क्या होता है 1 अपॉन y, और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू a प्लस बी, स्थिर रखा किसका करेंगे log का, तो log का क्या होता है 1 अपॉन x माइनस वाई, क्या होता है बेटा log का होता है 1 अपॉन x, पूरे ग्रुप में क्या दे रखा है x, तो log 1 बटे जो दे रखा है वो कहां जाएगा नीचे इनटू में। अब हम जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या दे रखा है x, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो गया a अपॉन x, b अपॉन y, dy अपॉन dx, इधर हो गया बेटा a प्लस बी अपॉन x माइनस वाई, 1 माइनस dy अपॉन dx, ठीक है। इधर और मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो a प्लस बी अपॉन x माइनस वाई, इससे किया इधर a प्लस बी अपॉन x माइनस वाई dy अपॉन dx, ठीक है। अब इधर भी दे रखा है बेटा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx एक इधर है और एक इधर है, dy दोनों तरफ है तो उस साइड वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो गया बेटा a अपॉन x, सॉरी b अपॉन y dy अपॉन dx, प्लस इधर का आएगा a प्लस बी अपॉन x माइनस y dy अपॉन dx, इधर बच गया बेटा a प्लस बी अपॉन x माइनस y माइनस का a अपॉन x, इस वाले टर्म्स को कहां लेंगे उधर और उस वाले को कहां ले आए इधर, इन दोनों में से अब कॉमन लिया जा सकता बेटा, तो कॉमन ले लेंगे dy अपॉन dx, यहां बच गया b अपॉन y माइनस सॉरी प्लस का a प्लस बी x माइनस y, ये बच गया। दूसरी साइड में देखो क्या ले रखा है बेटा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, सॉरी लघु एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस y इंटू x, इसका इस सॉल्व करेंगे तो x माइनस y का डिवाइड किया इसमें, तो x माइनस y कट गया, क्या बच गया x, तो x a प्लस बी माइनस a या जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। यहां पर समझ आ गया बेटा आप लोगों को, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम इधर लिया है इधर भी ले सकते हैं, अब अगला एलसीएम इस साइड में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं dy, दिख रहा है ना यहां पर dy अपॉन dx इधर y x माइनस वाई, y x माइनस वाई एलसीएम आ गया, क्या बचेगा बेटा देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, सॉरी y से y कट गया, b के साथ मल्टीपल किसका होगा x माइनस वाई का, तो b x माइनस वाई, ठीक है। प्लस अब इसके साथ हो जाएगा y a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का किससे हो जाएगा y से। दूसरी साइड में क्या बचा बेटा हमारे पास, इसका अंदर मल्टीपल कर दो x a प्लस x b, x a प्लस x b, ठीक है, x a प्लस x b इधर हो जाएगा माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स और प्लस का ए वाई अपॉन x x माइनस y, ये बचेगा। अब देखो x माइनस y से x माइनस y ये कट गया, इधर इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे dy अपॉन dx bx, ये से कट गया, क्या बचा xb प्लस ay, ऐसे इधर बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दो
बी एक्स माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई, तो ये इससे कट जाएगा बी वाई अपॉन सिर्फ वाई, इधर आ गया एक्स बी प्लस ए वाई, यहां बेटा ये डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बच गया आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन वाई, इधर बच जाएगा एक्स बी प्लस ए वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई ये पूरी टर्म्स इससे कट गई, क्या बच जाएगा बेटा अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया वाई अपॉन एक्स, वाई बटे एक्स, यही हमारा बेटा क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है बेटा सेवन का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन इसका फर्स्ट है, आपको देखा है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x फोर प्लस e की पावर x की पावर 5, कहां तक बेटा 5 तक, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब क्या करना है बेटा dy अपॉन dx, सीधा सा क्वेश्चन है तो सिंपल है, बिना लॉग के करना है, कितने पद हैं 5 पद है, अलग अलग सबका अवकलन कर देंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे dy अपॉन dx, e की पावर x का अवकलन किया e की पावर x प्लस इसका किया e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। e की पावर x वाला नियम लगेगा, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर इसमें तो x का क्या था सिंगल था, तो x का क्या करेंगे एक एक का गुणा करने पर यही आएगी वैल्यू, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, बट यहां लिखनी पड़ेगी क्यों, क्योंकि तो इसका फलन क्या है एक्स स्क्वायर, पावर क्या आ रही है बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस, इसी टाइप से नेक्स्ट में जाएंगे e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब, फिर x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, सेम e की पावर x 4 का करेंगे तो e की पावर x 4 का सेम वही आ गया इनटू 4x क्यूब, x की पावर 4 का किया फिर तो क्या आ गया 4x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4, सीधा क्वेश्चन को बेटा पहले सबसे पहले कौन सा रूप बन रहा है e की पावर x का, तो e की पावर x कर दिया, उसके बाद फिर x का करेंगे जितना भी आ जाए, सेम इसमें e की पावर x का रूप बन रहा है e की पावर x का हो गया, फिर x स्क्वायर कर दिया 2x, e की पावर x कर दिया फिर x क्यूब कर दिया, e की पावर x का किया फिर x क्यूब कर x घात 4 कर दिया, e की पावर x का किया फिर x घात 5 कर दिया, हो गया बेटा। इसको एक बार और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब 4x क्यूब e की पावर x घात 4 e की 5x घात 4 e की पावर x 5, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सीधा क्वेश्चन है dy अपॉन dx, ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा इसमें तो लॉग की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है बी, ठीक है, 7 का कौन सा बेटा बी, क्या दे रखा है वाई इक्वल टू ई की पावर, वाई इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स और फिर उस पूरे का रूट अगेन, ठीक है, वाई इक्वल टू रूट के अंदर e की पावर फिर रूट एक्स, ठीक है। अब देखो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू e की पावर रूट एक्स की पावर 1 अपॉन e की पावर रूट एक्स की पावर 1 बाई 2। अब पावर दे रखी है, लॉग ले लेते हैं, लॉग से आसानी से हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सबसे पहले रूट का करेंगे, फिर e की पावर एक्स का करेंगे, फिर एक बार रूट का करेंगे, तो वही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो मैं लॉग से कर देता हूं, एक बार लॉग लेने पर तो ये जाएगा बेटा लॉग y इक्वल टू लॉग e की पावर रूट एक्स और इस पूरे के ऊपर 1/2। ठीक है बेटा, कहां जाएगी बेटा पावर आगे लॉग के सूत्र से, लॉग m की पावर m इक्वल टू क्या होता है बेटा m लॉग m। तो पावर कहां जाएगी आगे, लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग e की पावर रूट एक्स। ठीक है, अगेन फिर से एक बार बेटा e की पावर रूट एक्स बन रहा है, क्या बन रहा है e की पावर रूट एक्स, फिर से एक बार और सूत्र लगा देंगे तो ये रूट एक्स भी कहा जाएगा बाहर। तो लॉग y इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है ही है, अंडर रूट और आ जाएगा बेटा x। ठीक है, ये भी तो पावर है, तो पावर कहां जाती है सामने, तो लॉग ये रहेगा सिर्फ e, क्या रहेगा बेटा e, क्लियर, सिर्फ रह गया लॉग e, और लॉग e का मान होता है एक, क्या होता है बेटा एक। तो चूंकि हम जानते हैं लॉग e इक्वल टू 1, क्योंकि इसका बेस कितना है e है, जब बेस e है और क्या दे रखा बेटा वैल्यू भी e दे रखी है, तो उसका मान होता है एक। अब यहां पर रखो लॉग y इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 2 और ये हो गया इनटू में 1। ठीक है बेटा, अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इधर कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग का करेंगे बेटा सबसे पहले, तो लॉग का हो गया 1 अपॉन y, फिर y का किया dy ओवर dx। अब आ जाओ इधर, तो 1 अपॉन 2, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा बेटा, तो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट हो गया, हमें किसका करना है रूट एक्स का, रूट एक्स का हम सीधा फॉर्मूला बेटा क्या है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का सीधा अवकलन फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन 2 इंटू 2 4 रूट एक्स। ठीक है बेटा, आपका अवकलन हो गया, y की वैल्यू फिर से यहां पर क्या दे रखी है बेटा ये, तो y की वैल्यू रख देंगे, तो y की जो वैल्यू रखोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा e की पावर रूट एक्स और इसका फिर से रूट अपॉन 4 रूट एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, वाई की वैल्यू रख दी बस, ये आपका सॉल्यूशन। कोई डाउट बेटा इसमें, देखो सीधा सरफेस से मैं एक बार बता रहा हूं, रूट दे रखा था, रूट को हमने 1/2 मान लिया, अब 1/2 मान लिए पर ये फलन हो गया, फलन की पावर क्या है 1/2। ठीक है, लॉग ले लिया क्योंकि लॉग थोड़ा आसान हो जाएगा, तो लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लिया, लॉग में फॉर्मूला क्या है एन की पावर, अगर एन हो तो एन कहां आ जाता है आगे, तो 1/2 कहां आ गया आगे, और इसके साथ साथ रूट एक्स भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगली बार फिर से एक बार फॉर्मूला लगा देंगे तो रूट एक्स की पावर है ये भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ बच जाएगा लॉग ई। ठीक है बेटा, तो ये एक एक करके मैं बाहर लेके आया हूं, आप एक साथ भी ला सकते हो, तो लॉग ई, लॉग ई इक्वल टू क्या होता है एक, तो ये हमारा रह गया बेटा फंक्शन। ठीक है, तो लॉग वाई इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 2, इसका अवकलन करना है, तो सबसे पहले y log का किया 1 अपॉन y, फिर इसका करेंगे dy अपॉन dx, इधर हो गया बेटा 1 अपॉन 2 तो पहले से फिक्स था, कांस्टेंट है, अब रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये हो गया टोटल 4 रूट एक्स, और इधर का जो y था वो कहां आ गया ऊपर, अब y की वैल्यू रख दो, ये हमारा आंसर। ठीक बेटा, फिर है क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर एट, एट दे रखा है y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर एट y इक्वल टू, ये फर्स्ट है इसका, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। कौन सा रूप बन रहा है बेटा, u बटे v, कौन सा रूप बन रहा है, u बटे v। अब u बटे v का फॉर्मूला बेटा, नियम कैसे लगाएंगे कि नीचे वाले फलन को स्थिर रखना है, ऊपर वाले का अवकलन करना है, माइनस ऊपर वाले को स्थिर रखना है, नीचे वाले का अवकलन करना है, और पूरे के नीचे क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले फलन का वर्ग। जैसे देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर नीचे वाले को स्थिर रखना है लॉग एक्स, किसका अवकलन करना है बेटा, कॉस एक्स का, किसका करना है, कॉस एक्स का, माइनस इस बार कॉस एक्स को स्थिर रखना है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब लॉग एक्स में देखो स्थिर रख दिया, किसका अवकलन करना है, कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स, क्या बेटा, माइनस साइन एक्स माइनस। अब आ जाओ इधर, कॉस को बेटा स्थिर रखेंगे, कॉस एक्स किसका करना है, लॉग का, तो लॉग का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, और पूरे के नीचे लॉग एक्स का स्क्वायर, क्लियर, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का नीचे बेटा क्या ले सकते हैं, एलसीएम, क्योंकि ये क्या बन रही है, भिन्न बन रही है, और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे एक रख के हम क्या कर लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया आपका एक्स, तो एक्स का जब एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक का भाग देंगे एक्स में, एक्स आ जाएगा, एक्स का इससे मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन एक्स हो गया, और ये हर में दे रखा है, तो इसके साथ ही आ जाएगा बेटा ये लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, जब माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा तो सीधा सब ये ही रह जाएगा, तो ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक बेटा। तो आठवें क्वेश्चन का फर्स्ट तो यही था, अब आ जाते हैं सेकेंड पर। आठवां क्वेश्चन का सेकेंड है, आठवें क्वेश्चन सेकंड दे रखा बेटा वाई, क्वेश्चन नंबर आठ इसका सेकंड है, वाई की पावर, सॉरी वाई इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स, उसकी पावर रूट एक्स टिल टू अनंत तक, क्या दे रखा बेटा, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अनंत तक, ठीक है। अब देखो बेटा वाई इक्वल टू रूट एक्स, इसके ऊपर क्या है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ज्यादा जा रहा है, तो रूट एक्स की पावर रूट एक्स, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ये सब किसके बराबर है, y के बराबर, तो क्या मैं ऐसे y लिख सकता हूं, क्योंकि एक रूट एक्स को हमने हटा दिया आधार को, बाकी देखो फलन क्या बन रहा है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, कहां तक, अनंत तक, जो किसके बराबर है, वाई के बराबर ही तो है, वाई में भी तो ये चीजें रखी है, रूट एक्स के ऊपर रूट एक्स, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, अब अनंत है, अनंत में एक हमने हटा कर रख दिया, तो अभी तो अनंत ही रहेगा, ठीक है। अनंत क्या होता है बेटा, बहुत बड़ी वह संख्या, तो बहुत बड़ी वैल्यू में से एक वैल्यू हमने कम कर दी, तो क्या फर्क पड़ना है, रूट एक्स को हमने क्या कर दिया छोड़ के, बाकी सारे को वाई मान लिया, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया वाई इक्वल टू रूट एक्स की पावर वाई, तो इसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई टू और फिर वाई, तो वाई इक्वल टू हो गया एक्स की पावर वाई अपॉन टू, ठीक है। फलन की पावर क्या दे रखी है, फलन, ठीक है, तो फलन की पावर जब फलन हो तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं,
तो लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर y बाई टू। ठीक है, पावर कहां जाएगी बेटा, लॉग के नियम से लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m। ठीक है, n लॉग m पावर थी n, वो कहां गई आगे, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू y अपॉन टू लॉग x। ठीक, अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, तो अवकलन कर दो यहां से, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग का किया वन अपॉन y, y का करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू वन अपॉन टू को तो बेटा बाहर रहने देते हैं, अब बच गया आपका y log x, y log x में u into v बन रहा है, तो u into v में इसी एक को स्थिर रखेंगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को स्थिर रखेंगे पहले का अवकलन, तो y को मैंने स्थिर रखा log का हो जाएगा वन अपॉन x प्लस log x को स्थिर रखेंगे y हो जाएगा dy अपॉन dx, ये आपका अवकलन हो गया। अब वन अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू मल्टीपल कर देंगे बेटा इसका, तो y अपॉन 2x ये भी मल्टीपल कर दिया अंदर, इधर हो जाएगा 1 अपॉन 2 log x dy अपॉन dx। ठीक बेटा, dy बटे dx इधर भी है इधर भी है, एक साथ में ले आए 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन 2 log x dy अपॉन dx, इधर क्या रहेगा आपके पास सिर्फ y अपॉन 2x। ठीक है, यहां से बेटा हम कॉमन ले सकते हैं dy अपॉन dx, dy अपॉन dx दोनों तरफ है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से बेटा dy बटे dx और इसमें से दोनों में से ले लिया, तो ये रह गया 1 अपॉन y, इधर हो गया 1 अपॉन 2 log x, इधर हो गया y अपॉन 2x। ठीक है, अब देखो इधर से एलसीएम ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा वाई और इधर से टू, तो टू वाई, टू वाई। ठीक है, वाई का भाग देंगे, वाई बार कितनी बार गया टू टाइम, टू का इससे मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा दो, इधर से बेटा वाई लॉग एक्स और इधर हो गया आपके पास y अपॉन 2x, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 गया, क्लियर, क्रॉस मल्टीपल कर दो बजगुणन dy अपॉन dx, y का y से y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y log x, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से और बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट पे, जैसे मान लो एक आ जाए y इक्वल टू रूट साइन x प्लस फिर रूट साइन x प्लस फिर रूट साइन x कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो इसको भी बेटा सेम इसी टाइप से करना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा साइन x, एक को छोड़ के बाकी सबको हम क्या मान लेंगे y, क्योंकि ये y के बराबर ही तो है, तो ये हो गया, अब क्वेश्चन इजी हो गया, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, तो वर्क करने पर तो ये जाएगा वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस वाई, अब डिफरेंशिएट कर देंगे इजी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन गया, डिफरेंशिएट कर दो तो ये जाएगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन का हो गया कॉस एक्स, इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इधर आ गया टू वाई, ठीक है dy upon dx minus dy upon dx equal to cos x, कॉमन लेके भाग दे दो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, dy upon dx ये हो गया 2y minus 8, इधर हो गया cos x, तो dy upon dx equal to cos x upon 2y minus, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब सॉरी इस टाइप के क्वेश्चंस एक ये हो गया और भी कई सारे बन सकते हैं, तो इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है बेटा, एक स्टैटिक के पद को छोड़ के बाकी सबको क्या मान लो वाई मान लो, क्या मान लो वाई,
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आप इसको सिंपल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब है नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर नौ का पहला क्वेश्चन नंबर नौ नौ का फर्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन ने रखा है y इसके साथ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर और इधर दे रखा बेटा साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x ठीक है साइन इनवर्स x सिंपल क्वेश्चन है क्या करना है अब करना तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई और इसमें दोनों में क्या लग रहा है बेटा यू इंटू वी का रूप बन रहा है किसका बन रहा है बेटा यू इंटू वी तो यू इंटू वी में देखो वाई को स्थिर रखा अवकलन करेंगे अंडर रूट का तो वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर फिर ब्रैकेट के अंदर गए सर रूट के अंदर जाएंगे तो रूट के अंदर क्या दिख रहा है हमें वन वन का हो गया जीरो इसका क्या टू एक्स किसका हो गया 2x प्लस इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्थिर रखेंगे y हो जाएगा dy अपॉन dx ये पूरे का हो गया इधर आ जाओ बेटा साइन इनवर्स का किया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला है अब सिंपल कर दो इसको ये हो गया बेटा माइनस का 2xy अपॉन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर टू से टू कट जाएगा इधर प्लस रूट का वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स इधर हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लिया बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर तो वन माइनस एक्स स्क्वायर पे इसमें डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा बेटा एक और एक का ऊपर मल्टीपल किया एक्स वाई इधर कुछ नहीं है एक एक का डिवाइड करेंगे इतनी टाइम जाएगा और इसका फिर एक बार इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स इधर हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ये इससे ये कट गया ठीक है आपके पास बच गया एक्स वाई प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन इसको उधर ले जाओ बेटा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स ये उधर जाएगा तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इसको नीचे दे दो डीवाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका सॉल्यूशन हो गया ठीक है क्या किया बेटा आपने सबसे पहले यू इंटू बी लगाया y को स्थिर रखा रूट का किया रूट का हो जाता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स फिर अंदर गए वन का हो गया जीरो एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स प्लस इसको स्थिर रखेंगे y हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इधर बेटा साइन इनवर्स का अवकलन होता है एक बटे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर साइड से एलसीएम लिया रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कट गया क्या बच गया माइनस एक्स स्क्वायर इसका किया बेटा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स ये इससे कट गया सिर्फ ये बच गया इसको उधर ले गए प्लस का हो गया डीवाई बटे डी एक्स ये नीचे आ गया ठीक है ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वाई ब्रैकेट के अंदर वन प्लस एक्स इक्वल टू फिर इधर दे रखा बेटा आपको वन माइनस एक्स ठीक है सेम सवाल बेटा क्वेश्चन पहले जैसा ही है यू इंटू यू बना दो और इसको सॉल्व कर देंगे दोनों वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स रूट में वन प्लस एक्स इसको कहां ले आए नीचे अब देखो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है इसको एक साथ लिख सकते हैं बेटा वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स ठीक है दोनों पर क्या है रूट है अब रूट को बेटा वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर वन बाई टू लिख सकते हैं पावर वन बाई टू अब पावर दे रखी है वन बाई टू
अब पावर घटाने के लिए क्या है हमारे पास रास्ता, लॉग। तो लॉग लेने पर, ठीक है, तो लॉग लिए, लॉग y इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1 वाई। ठीक बेटा, लॉग के नियम से m की पावर m इक्वल टू n लॉग m, इस नियम से बेटा ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू 1 बाई टू लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक, अब सिंपल अवकल कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y, y का करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, लॉग का करेंगे बेटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इधर u इंटू वी लग, सॉरी u बटे वी का रूप बन गया, u बटे वी में हम जानते हैं क्या करेंगे, नीचे वाले को स्थिर रखना है और ऊपर वाले का अवकलन करना है, ऊपर वाले का अवकलन हो गया d बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स को स्थिर रखेंगे d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स, पूरे के नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करना चाहो और एक बार आगे बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 वाई टू, ये घूम के संख्या कहां पहुंच जाएगी बेटा, नीचे वाली, ये देखो फिरने तो नीचे वाला पद कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसका अवकलन किया एक का हो गया बेटा 0, इसका हो गया 1 माइनस 1 माइनस एक्स, इसका अवकलन किया 0, इसका हो गया 1 और ये पूरा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो ये 1 प्लस एक्स, ये पावर इस दो से कट जाएगी, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इधर तो है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर है हमारे पास 1 बाई टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब ऊपर क्या बचा देखो, 1 प्लस एक्स का मल्टीपल करेंगे किससे, माइनस एक से, तो माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इधर किया बेटा 1 माइनस एक्स का एक से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा, और बाहर माइनस है तो बाहर माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस एक्स 1 प्लस का एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया बेटा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टू माइनस का 2, और ये a प्लस बी ए माइनस बी का रूप बन गया, देखो a प्लस बी ए माइनस बी जो क्या होता है 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप बन रहा था जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 से 2 कट गया, इस y को ऊपर भेज दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा ये? अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10वें का, 10 का फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस फिर से एक बार साइन एक्स प्लस फिर रूट के अंदर साइन एक्स और कहां तक अनंत पर। ठीक है, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स और इसको मान लेंगे बेटा वाई। ठीक है, जैसे रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स जा रहा था उसी टाइप से बेटा अगर अनंत क्रम तक एक ही पद रिपीट हो रहा है तो हम क्या मान लेंगे उसको वाई। तो ये हो गया, अब वर्क करने पर तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो गया टू वाई और वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो गया बेटा कॉस एक्स और इसका करेंगे
तो dy अपॉन dx, इधर ले आओ 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू cos x, ठीक है, कॉमन ले लो यहां से dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 cos x, तो dy ओवर dx ये कहां चला जाएगा नीचे, तो cos x अपॉन 2y माइनस, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। इसका क्वेश्चन है लास्ट दसवीं का सेकंड, ये क्वेश्चन देखो बेटा एक फिफ्थ का सेकंड है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन था, सेम इसी टाइप का था, उसमें दो पद थे x की पावर y, y की पावर x, इसमें एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है तीसरा पद, ठीक है, जैसे हमने उसको किया था u और v मानकर, इसको क्या करेंगे u मान लेंगे, v मान लेंगे और w मान लेंगे, तीसरा पद इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है उसे क्या मान लोगे w, तो सेम उसी जैसा पैटर्न पे आप उसको स्वयं कर सकते हैं। देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है दसवीं का सेकंड है, x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर b, ठीक है, ये भी दे रखा है, क्या करना है u इक्वल टू, तो माना u इक्वल टू x की पावर y, v इक्वल टू y की पावर x और w इक्वल टू x की पावर x, ठीक है, अब इनका मान रख देंगे इसमें, तो u प्लस v प्लस w इक्वल टू a की पावर b, डिफरेंशिएट करोगे 2x, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx और इक्वल टू शून्य, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जो हमने u माना था u इक्वल टू x की पावर y, क्या करना है log से सॉल्व करना है, इसी टाइप से v इक्वल टू क्या है y अपॉन x, इसको भी log से सॉल्व करना है, फिर इसको मानेंगे इसको भी log से सॉल्व करना है, और जो तीनों में से वैल्यू किसकी आ जाएगी डी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, सही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वीडियो ये यहां पर कंप्लीट हो गया बेटा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे अगली एक्सरसाइज का, तब तक ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करते रहें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस की जानकारी अब मिलती रहे, अपडेट होते रहे, ठीक है बेटा, गुड बाय, नमस्कार।